current Republic of India, for example, the mention of the word Sindh. Sindh is not part of the Republic of India. Sindh is not part of the Republic of India. Sindh is not part of the Republic of India. कई बड़े नेताओं ने समय समय पर राष्ट्रगान जनगण मन में से कई शब्दों को हटाने की आवाज़ उठाई है, पर जब आवाज़ कोई प्रभावशाली व्यक्ति उठाता है तो इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने 2015 में अधिनायक शब्द को हटाने की मांग की थी और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने सिंध शब्द को हटाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक चिट्ठी लिखकर की है। इस चिट्ठी के जवाब में इंदौर के युवा लेखक और सोशल एक्टिविस्ट पृथ्वी राज ने भी डॉक्टर स्वामी और प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज करवाया। अपनी चिट्ठी में पृथ्वी राज कहते हैं कि सिंध अभी भी हमारे सिंधी भाइयों के जरिए भारत का ही हिस्सा है। अगर हम यह मानते हैं कि भारत देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जज्बा, एक भाव है जो हम लोगों के दिलों में जिंदा है, तो यह बात हमें सिंध के बारे में भी माननी चाहिए। सिंध को हमारे सिंधी भाइयों ने अपनी भाषा, खानपान और संस्कृति के जरिए से देश में पिछले कई सालों से जिंदा रखा है। सिंध को राष्ट्रगान से हटाना संकेतात्मक रूप से यह दर्शाएगा कि भारत सरकार सिंधी संस्कृति से आत्मीयता नहीं रखती। पृथ्वीराज यह भी कहते हैं कि ऐसा कोई भी फेरबदल उन हिंदुओं की भी भावनाओं को आहत करेगी जो व्यापक भारतवर्ष को अभी बनाई गई सीमाओं रख के उसे परे देखते हैं। राजनीतिक रूप से देश प्रदेश की सीमाएं बदलती रहती हैं, पर इस पैमाने से राष्ट्रीयता पैमाना नजरिए से दूरदर्शिता की कमी बताता है। यह चिट्ठी उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की है। इसने दलील यह दी गई है कि 1947 के बाद जब सिंध भारत का हिस्सा नहीं रहा तो फिर उस शब्द के भारत के राष्ट्रगान में क्या मायने हैं। देश के जाने माने बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है उसमें से कुछ शब्द हटा दिए जाएं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने अपनी चिट्ठी में मेंशन किया है कि जो सिंध शब्द है, 1947 के विभाजन के बाद सिंध शब्द का भारत के राष्ट्रगान में होने का कोई औचित्य नहीं है। इसका विरोध करते हुए मैंने भी एक चिट्ठी सुब्रमण्यम स्वामी साहब को लिखी है और मैंने बताया है कि देखिए, सिंध एक जमीन का टुकड़ा भले पाकिस्तान के पास चला गया पर वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान, पहना, वहाँ की भाषा आज भी सिंधी भाइयों के थ्रू हमारे देश में जिंदा है। तो अगर जिस तरह भारत एक देश जो है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक भावना है, वही चीज सिंध पर भी लागू होती है। उसके कई सारे इम्प्लीकेशन मैंने भी अपनी चिट्ठी में लिखे हैं। दूसरा इम्प्लीकेशन में जो देखता हूँ वह इस तरह से है कि जैसे कि हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हमारी सभ्यता को जाना जाता है, हमारी पहचान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से दूसरे देशों में है, और अगर आज हम इस शब्द को डिस्कार्ड कर दें तो आने वाली पीढ़ियां इस चीज से अपना अलगाव महसूस करेंगी। यानी कि देखिए, राजनीतिक बाउंड्रीज जो होती हैं कंट्री की वो हर 70-80 सालों में बदलती रहती हैं, पर कुछ चीजें हैं जो कि बियॉन्ड द टाइम रहती हैं, जो 2,000, 2,500, 5,000 साल पुरानी चीज है, जो सभ्यता जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है, उसको इस तरह डिस्कार्ड करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई भी फेरबदल करने से पहले एक बार जो सिंधी भाई हैं या कोई जो विराट हिंदू इस देश में हैं जो कि भारत को इन राजनीतिक सीमा रेखाओं के परे भी देखते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। मैं लेखक पृथ्वीराज सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।